नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है आलू के पापड़ बनाने की। आलू के पापड़ के दो वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे, लेकिन आज जो मैं आलू के पापड़ बनाऊंगी एकदम नए फ्लेवर में बनाऊंगी जो शायद आपने अब तक न बनाए होंगे न खाए होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इस रेसिपी को। आलू के पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 से 7 ये आलू लिए हैं। इनको उबाल के और छील के मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। आलू जो है पूरी तरह से ठंडे होने चाहिए। तो अब हम एक कोई चौड़ा बर्तन ले लेंगे, आप परात या बड़ी थाली भी ले सकते हैं। साथ ही हमने ले लिया है एक कद्दूकस और आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। ऐसा करने से आलूओं में कोई भी गांठ नहीं रहेगी और पापड़ हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। अगर हम आलूओं को मैश करते हैं तो उसमें गांठ रह जाती है और पापड़ बनाते समय वो बीच में आ जाती है जिससे पापड़ हमारे फट जाते हैं। तो आलूओं को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो लास्ट में आलू बचता है इसको भी हम अच्छे से कद्दूकस करें, इसका कोई पीस न रह जाए। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम अपने सारे आलू कद्दूकस करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं, कोई भी गांठ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम मसाले भी देख लेते हैं कि हम आलू के पापड़ में कौन कौन से मसाले ऐड करेंगे। तो आलूओं में हम ये 2 मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने जीरा और 2 मैंने यहाँ पर सैचिट लिए हैं मैगी मसाला के। इनमें सारे मसाले पहले से ही होते हैं, नमक भी होता है। वैसे भी जब हम आलू के पापड़ बनाते हैं तो उसमें नमक का अमाउंट हम थोड़ा सा कम ही रखते हैं। अगर आलू के पापड़ों में नमक का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो तलने के बाद जब हम उनको खाते हैं तो उनका टेस्ट कड़वा भी आने लगता है। तो इसलिए जब भी आप आलू के पापड़ बनाएं तो उसमें नमक का अमाउंट आप थोड़ा सा कम ही रखें। तो इन मसालों को अब हम आलूओं में मिक्स कर लेते हैं। अब हम ऐड कर देते हैं इसमें जीरा, मैगी मसाला, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। जीरा और मैगी मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है आलू में। थोड़े से आलू लेके हम टेस्ट करके देख लेंगे कि इसमें नमक का अमाउंट कैसा है। अगर नमक का अमाउंट बहुत कम है तो हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे। और मुझे नमक का अमाउंट थोड़ा सा कम लग रहा है तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच नमक ले लिया है, वो हम ऐड कर देते हैं और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल, हाथ में हम थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेंगे। तो अब हम इन आलूओं को चिकना करेंगे। आप चाहें तो कटोरी से इनको मैश कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से जिस तरह से आटा गूंथते हैं आप इनको 1 से 2 मिनट ज़रूर मैश करें जिससे कि इनमें लेस आ जाएगा, यानी कि चिकनाहट आ जाएगी। और जहां आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा आप हाथ को इस तरह से सरसों के तेल में चिकना कर लें। और कोई तेल आपको नहीं लेना है, सरसों का तेल ही लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से हम 1 से 2 मिनट इन आलूओं को करेंगे जिससे कि इनमें चिकनाहट आ जाएगी और पापड़ हमारे बहुत अच्छे बनेंगे और आसानी से बन जाएंगे। ये आलू अच्छे से चिकने हो गए हैं, हाथों को थोड़ा सा चिकना करके अब हम इनके गोले बना लेते हैं। आपको जिस साइज़ के पापड़ रखने हैं उतने बड़े आप गोले बना लें और एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे आलू के गोले बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने आलू के सारे गोले ही बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए पापड़ बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर एक मैंने बड़ी पॉलीथीन ली है जिस पर हम पापड़ फैलाएंगे और एक मैंने इस तरह की छोटी पॉलीथीन ली है, ड्रेसेस वगैरह में निकलती हैं, आसानी से हर घर में मिल जाती हैं। तो इस बड़ी पॉलीथीन को भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के चिकना कर लिया है और जो छोटी पॉलीथीन ली थी उसको भी हमने एक साइड अंदर की साइड चिकना कर लिया है।
हमने जो आलू की लोई बना के तैयार की है वो हमने ले ली है। छोटी पॉलीथीन जो हमने अंदर की साइड चिकनी की थी उसको ले लिया है। पॉलीथीन को हमने इस तरह से कवर कर दिया है इस लोई के ऊपर। एक हमने प्लेट ले ली है जो कि नीचे की साइड से फ्लैट होगी बिल्कुल, तो इस तरह से हम उसको दबा देंगे। ये देखिए, और जहाँ आपको लग रहा है कि इसके किनारे थोड़े से मोटे दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह से हाथ से आप उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। अब हम इसका इस तरह से किनारा उठाते हुए पॉलीथीन को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा एक पापड़ बनके तैयार है। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने लोई ली, रख ली, इधर पॉलीथीन हमने चिकनी की थी ऊपर से इसके ऊपर रख दी इस तरह से, और प्लेट से हम इसको इस तरह से दबा देंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि किनारी अगर हमें मोटी दिखाई दे रही हैं तो हाथ से हम इस तरह से इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। पापड़ बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं, मोटे पापड़ फ्राई होके अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े से पतले पापड़ ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, इसका एक किनारा उठाते हुए हम इस पॉलीथीन को अलग कर लेंगे। तो हमारा ये पापड़ बनके तैयार है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पापड़ बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने अपने सारे पापड़ बना के तैयार कर लिए हैं। अगर आपके घरों में धूप आती है तो आप इन पापड़ों को धूप में सुखा सकते हैं, और अगर आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं जहाँ धूप नहीं आती है तो आप इनको पंखे में भी सुखा सकते हैं। पंखे में भी आसानी से और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो अब मैं इस पॉलीथीन को उठा के रख दूँगी पंखे के नीचे और अच्छे से इन्हें सुखा लेंगे हम। ये पॉलीथीन से अपने आप ही निकलने लगते हैं जब सूख जाते हैं। तो ये देखिए, पापड़ हमने सुखा के तैयार कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने पतले हमारे ये पापड़ बन के तैयार हुए हैं। अगर आप इनको साल भर तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो एक दिन की तेज़ धूप दिखा के और इनको फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जब बारिश का मौसम आए तब आप इनको एक या दो दिन की धूप ज़रूर दिखा दें, तो आपके जो ये पापड़ हैं ये साल भर तक सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए, अब आपको मैं फ्राई करके भी दिखाती हूँ। फ्राई में ऑयल हमने पहले से गरम करने रख दिया था। ऑयल को हमें मीडियम हॉट ही गरम करना है। पापड़ को हम इस तरह से चिमटे से पकड़ के तलेंगे। ये देखिए, जैसे ही नीचे की साइड सिक जाएगा हम इसको पलट लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा हम कढ़ाई पर रोकते हुए इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। एक और मैं आपको सेक के दिखाती हूँ। पलट लेंगे। बहुत ज़्यादा देर हम इनको ऑयल में नहीं रखेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा सिक जाते हैं तब भी इनका टेस्ट जो है कड़वा आने लगता है। ये देखिए, तो थोड़ा सा कढ़ाई पर रोकते हुए हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें जितने पापड़ खाने होंगे उतने हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे मैगी मसाला वाले ये आलू के पापड़ बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।